सब्सक्राइब करें हमारे इंजीनियरिंग आइडिया पॉइंट चैनल को और बेल बटन प्रेस करें फॉर न्यू वीडियो अपलोड। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई डिस्कस अबाउट डिप्रिकेशन मेथड। तो डिप्रिकेशन मेथड होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, ठीक है? क्या है डिप्रिकेशन मेथड? एक कॉमर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इंजीनियरिंग में भी न्यू सिलेबस में डाला गया है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है? तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हम लोग जानते हैं, इस मेथड में ही आता है अ स्ट्रेट लाइन डिप्रिकेशन मेथड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है, क्या इस मेथड से कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन डिप्रेशन मेथड के लिए कि इसमें कौन कौन सा फैक्टर आएगा जो हम लोग यूज करेंगे इस मेथड से फाइंड आउट करने के लिए कि इसका क्या प्रोडक्ट होगा। तो सबसे फर्स्ट अगर हम लोग फैक्टर को देखें तो आपका सबसे फर्स्ट में आता है ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कि आप जो कोई सब्सटेंस खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, तो उसको में क्या क्या लग रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले वो लगा तो आपका क्या क्या हुआ ओरिजिनल कॉस्ट में, परचेज किए मतलब कितना में खरीदे वो चीज़, प्लस में अब खरीदने में जो टैक्स लगा, जीएसटी लगा, सेल्स टैक्स में जा रहा है, वो सब का बात कर रहे हैं, तो टैक्स हो गया। फिर प्लस में आपको वहाँ से लाने में, जैसे आप ये कहीं से खरीद के ला रहे होंगे, तो वहाँ से लाने में उसका इंश्योरेंस कराए, उसका रोड टैक्स दिए, बहुत सारा अलग अलग चीज़ें है, तो वो सारा चीज़ को लेके ऑल अदर एक्सपेंसिव एसेट टू यूज। किस लिए? कि हम लोग जैसे अब कोई भी चीज़, मान लो कि हम बाइक ही खरीदे तो क्या हुआ, सबसे पहले तो उसका जो प्राइस था वो हम पे किए, उसके बाद टैक्स पे किए कि इतना जीएसटी है, ये है, वो है, उसके बाद हम लोग इंश्योरेंस कराए, अलग अलग बहुत सारा चीज़ कराए कि हमको कोई से प्रॉब्लम ना हो जाए, प्रॉब्लम होगा तो उससे हमको कुछ बेनिफिट आ जाए। तो ये सब आपका इंक्लूडेड होता है कहाँ पे, ओरिजिनल कॉस्ट में, ठीक है? अब सेकंड है जो आपका, वो है एस्टिमेटेड लाइफ कि मतलब अब बाइक खरीदे तो अब हम एक सोचते हैं कि ये कितना दिन ये बाइक सक्सेस करेगा, कितना दिन ये बाइक चलेगा, तो इसका लाइफ का हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हम कोई बाइक ही खरीदे, मान लेते हैं कि कोई बाइक ही खरीदे, टीवीएस का कोई हम बाइक खरीदे, तो ये कितना साल तक चलेगा, तो वो कितना ईयर तक चलेगा उसका हम लोग बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं मैक्सिमम हम लोग उसको अच्छे से यूज करेंगे तो 10 ईयर तक, कि चलो हम इसको मानते हैं कि एक अच्छे से इसका यूज किए तो 10 साल तक हम इस गाड़ी को अच्छे से यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपका आ जाता है एस्टिमेटेड लाइफ में, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो थर्ड मेरा है वो है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, ठीक है? इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीशेड्यूल वैल्यू बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि जब जैसे मेरा 10 साल हो गया बाइक का, उसके बाद हम इसको कहीं पे क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो उसके बाद क्या अमाउंट मिलता है उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है? तो जैसे मान लें कि अभी तक हम इतना में खरीदे, इतना साल तक चला, उसके बाद इसको हम जैसे बेच दिए कहीं पे भी बेच रहे हैं, या तो पीबल्स के बेच रहे हैं, या तो भंगार में बेच रहे हैं, कहीं पे हम लोग बेच रहे हैं, तो उसके बाद हमको क्या प्राइस मिल रहा है इसके लिए, ये एस्टिमेटेड स्क्रैप, या तो इसी को क्या बोल रहे हैं, रिसेल्यूशन वैल्यू। तो ये तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा क्या जानने के लिए, स्ट्रेट लाइन डिप्रिकेशन मेथड से फाइंड आउट करने के लिए, ये आपका या तो फिक्स इंस्टॉलमेंट भी इसका नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं
से फाइंड आउट करेंगे इसको। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लिख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन पर एनम का निकाल रहे हैं, पर एनम का हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देखे थे, ओरिजिनल कॉस्ट या ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रीशेड्यूल जब हम भंगार में बेचे उसका बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय जो मेरा कितना साल तक चलेगा उसके बारे में हम लोग बात किए थे, एस्टिमेटेड लाइफ कि कितना साल तक ये चलेगा इसके बारे में हम लोग बात किए। ठीक है, तो यही मेथड से मेरा क्या फाइंड आउट हो जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड से हमको फाइंड आउट हो जाता है डिप्रेशन ऑफ पर एनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एल्सो इंजीनियरिंग को जो अभी इकोनॉमिक्स में आ चुका है। अगर इसका हम एग्जांपल देखें, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर मेरा ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है चलिए, और एस्टिमेटेड लाइफ अगर हम इसका ले लें, एस्टिमेटेड लाइफ भी दिया हुआ है, मान लेते 4 ईयर है एंड रिशेड्यूल दिया हुआ है, रिशेड्यूल कॉस्ट दिया हुआ आपका, कुछ भी दिया हुआ, कुछ मान लेते हैं 0, हमको नहीं पता कि कितना इसके बाद फाइंड आउट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे ये फार्मूला पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डिप्रेशन कुछ नहीं है, नील है 0, तो क्या हो जाएगा डिप्रेशन पर एनम पे ओरिजिनल कितना था 20,000 माइनस 0/4, मतलब आपका कितना आ जाएगा 5,000 पर एनम। ये आपका क्या हो गया, आपका इससे स्टेट मेथड से ए फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इससे कि के ए है क्या एक्चुअल में, तो ए ही आपका क्या था स्टेट लाइन मेथड से फाइंड आउट करने का भी था। ठीक है,